आपने अभी तक TMD चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TMG न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में चोला छाप डॉक्टरों के द्वारा मरीजों की जान से खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग यह सब जानते हुए भी अनजान बना हुआ है। ताज़ा मामला जिले के छापीहेड़ा से सामने आया है, जहां एक मरीज की तबीयत बिगड़ने पर उसे उपचार के लिए एक डॉक्टर के पास लेकर गए थे, जहां डॉक्टर रामचरण दांगी और असिस्टेंट पवित्रा ने 5 इंजेक्शन और 2 ड्रिप लगा दी, जिससे मरीज के हाथों में से रक्त का बहाव शुरू हो गया। जैसे तैसे मरीज को परिजन घर लेकर गए, लेकिन फिर से तबीयत खराब होने पर चोला छाप डॉक्टर ने इंजेक्शन और ड्रिप लगा दी, लेकिन फिर भी आराम नहीं हुआ। इसके बाद परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर गए, जहां से डॉक्टरों ने उसे भोपाल रेफर कर दिया। उधर हाथ में इंजेक्शन और ड्रिप लगाने से मरीज के हाथों में इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी शिकायत मरीज द्वारा छापीहेड़ा थाने में की गई, लेकिन उपस्थित पुलिसकर्मियों ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। कल भी घबराती इनको कहीं निमंत्रण से आया हूँ, तो कल्याणपुर वाले में उनकी से लाल जी हाँ ब्याह गए उनके पीछे पीछे। हाँ, फुरी वाला कहाँ है, इनके अंदर फुरी तो गए जब तक इनको इतना बढ़िया हाथ के लिए बिल्कुल आराम हो गया। फिर ये तकलीफ कब से बन गई आपके रात में? अगर रास्ते नहीं हो गए थोड़े से चला होंगे हम, और जिसके बाद से जो अंकल ने बोले हो सके अभी इंजेक्शन लगा आया ना, ये को असर होगा जी की वजह से। तो मैंने कहा ठीक है, और घर जाके सो गया। आपने बोला कि वो नहीं थी, तो मैंने खाना खाया। जैसे खाना खाया मुझे खा में फिर उल्टियाँ, फिर उल्टियाँ, फिर मैंने खाना ही नहीं खाया। मैंने यहाँ खाना लगता और हाथ अलग मेरा काम नहीं करता, मैंने उठा तो बाटल वाटल चढ़ गई जी की वजह से हो गया। तो रात भर तो मैंने जैसे जैसे टाइम पास करते निकाले, मैंने यहाँ रात भर से निकाले, उठ के चले तो गिर गया तो दरवाजा थोड़े भी चक्कर पर आ गया होगा। तो मैंने अस्पताल चलो मैं तो मुझे जो भी प्रॉब्लम वही बता था, उन्होंने बोले तो उन्होंने मना कर दिया, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती, इंजेक्शन लगवा लो और ये जो आपने गोलियाँ बताई थी कि इनको मत खाना, और ये दूसरी जो गोलियाँ बताई थी कि इनको खा लेना, इसको भर्ती कर लो। मुझे चलने के लिए बोल रहे थे, हम भर्ती नहीं कर सकते, तो फिर चल रहा है जाएंगे और हाथ काम नहीं कर लो। ले जाएगा ब्लड में कुछ इन्फेक्शन, ब्लड वाला जो भी CBC वगैरह जो भी टोटल है ना। अच्छा, ये मैडम नमस्कार सर, आ जाओ। हाँ, कई समस्या है ये। अरे तुमने कैसे इलाज किया, मेरा पूरा हाथ जाम हो गया है। ऐसा है, और ना तो खाना खा पा रहा हूँ मैं, और दिक्कत आ रही हूँ मुझे वहाँ अस्पताल में देखा ब्याह हो तो वो भी नहीं झेल रहे हैं, मना कर दिया वहीं दिखाओ जहाँ पे तुमने दिखाया। यहाँ पे तो मैंने कपड़ा बांध रखा है, नहीं तो वो इतनी भयंकर दर्द कर रहा हो। रात को दिया था,
दिन तो बिल्कुल कंप्लीट होकर गए यार। अस्पताल में ले गए तुमने, बोले थे यार वहीं दिखाओ यार, जाओ प्राइवेट डॉक्टर के वहाँ दिखा। अच्छा ब्यावरा में? हाँ ब्यावर अस्पताल वालों ने पर्चा रखा है, वहाँ पे मना कर दी। अभी आया तो वापस यानी उल्टे हो रही थी नहीं, मैं वहाँ पे गया वापस यहाँ पे सरकारी अस्पताल में, तो उन्होंने मना कर दिया कि राजगढ़ जाओ तुम तो अस्पताल में, यहाँ नहीं होगा कुछ। नहीं तो फिर उनको ही दिखा। अभी भी आ रही है उल्टी? अरे अभी उल्टा करके आया हूँ, मैं खाना ही नहीं खा पा रहा हूँ रास्ते। तो अभी कहाँ गए थे आप? इसमें क्या हो रहा? अरे इसमें भयंकर झुनझुनी आ रही है, जिसके बाद में जाम हो रहा है, हाथ बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे हूँ सांस। और उल्टी भी आ रही है? हाँ। अच्छा दर्द कर रहा होगा? दर्द तो बिल्कुल, मैं जैसे अपने हाथ पर सड़कते हैं नहीं, जाम होता है ऐसा। मुझे बैठने की भी नहीं बन रही। अभी अस्पताल में उन्होंने बोल दिया तुम यहाँ से जाओ राजगढ़ दिखाओ, तुम यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। चलो इससे तो कुछ लग तो नहीं रहा अपने को। फिर झेल क्यों नहीं रहा मेरे को? दो अस्पताल में दिखा लिए पर्चा होता तो दिखाम क्यों नहीं है ना आप? टेंशन क्यों रखो? अब क्या हो रहा अभी इस टाइम पे? घबराहट हो रही है मेरे को, और घबराहट के साथ में ये हाथ मेरा काम नहीं कर रहा। अब कल तो कल ही आए थे ना? हाँ कल ही तो आया था, कल शाम को यहाँ से गए, जिसके बाद में मैंने कहा ये तो बताया था मैंने आपको झुनझुनी आ रही है हाथ में, तो आज फिर इधर गए थे क्या वाला? अरे उन्होंने यही भेजा है हमको, हम तो डायरेक्ट तुम्हारे पास आए। तो फिर अस्पताल क्यों चले गए अभी? अब डायरेक्ट निकल गए, तो मैंने पहले अस्पताल में दिखाया, मैंने कहा दिक्कत आ रही है वहाँ पे, कल इलाज करवाए वहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं, और उल्टा ज़्यादा सीरियस हो गया हूँ मैं। घर वाले अलग नाराज हो रहे मेरे ऊपर। कौन सा अस्पताल में? यहाँ वाले वहाँ वाले? सरकारी अस्पताल, यहाँ भी दिखा लिया मैंने, ब्यावरा भी दिखा लिया। ब्यावरा ने तो बोल दिया कि छापड़े जाओ आप। हाँ। और यहाँ वाले ने क्या बोला? यहाँ वाले ने बोला कि भैया इसमें कुछ नहीं है, हमने इंजेक्शन लगा दिया है और राजगढ़ जाओ। उन्होंने तो छुट्टी कर दी, रेफर के लिए लिख दिया उन्होंने तो तुरंत। ये तो ब्यावरा का है। अच्छा ब्यावरा? हाँ झेला ही नहीं उन्होंने, स्पष्ट मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते इसे, ज्यादा कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे तुम्हारा। मुझे तो मेरा हाथ के टेंशन हो रहा है, हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहे। दिक्कत नहीं आप टेंशन मत लो, बीपी भी सब क्लियर है यार? बीपी तो अभी उन्होंने के इंजेक्शन लगवा के थोड़ी देर आराम करके आए हैं वहां पे। वहां पे भी नॉर्मली बीपी 130 बटा 11 में बीपी क्लियर ही। तो कल वहां चले गए थे क्या आप? सुबह गए ना हम तो, रात को तो मैंने कहा ऐसी तबीयत खराब हो रही, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है थोड़ी देर में हो जाए आराम। सुबह मैंने यार भर्ती करो तो उन्होंने मना ही कर दिया भर्ती के लिए। क्या बोल दिया? हम नहीं कर पाएंगे, वही जाओ तुमने जिस प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया। झुंझुनी आ रही ना और घबराहट से आ रही है, और घबराहट और ये हाथ जाम हो रहा है, मतलब काम नहीं कर रहे हाथ। वो तो हो जाएगा, उसकी चिंता ना करो। मैं क्या अपन ने तो एक तो पेंटाप दिया था इंजेक्शन, और उसके बाद में जो घबराहट का इंजेक्शन दिया था इनको कल, और इनकी हालत बिल्कुल ज़्यादा सी देखती हो। खट ये डकारे भी आ रही है? डकारे आ रही, कहते ना उल्टे कर रहे हो, रात को खाना खाया और खाना भी नहीं झेला मेरे को। अभी मेरे को यहाँ से डॉक्टर साहब ने बोल दिया तुमको भोपाल रेफ़र कर दिया, तो रेफ़र का पर्चा मेरा बना दिया। मैं मेरी इतनी सीरियस हालत है, अगर जो मेरे को कुछ भी आराम नहीं मिला तो मैं मेरा हाथ यहाँ से काटना भी पड़ सकता है। डॉक्टर का कहना है कि इसको तुम जल्दी जल्दी वहाँ पे दिखाओ। वहाँ पे मैम कुछ मतलब गैर कानूनी काम चल रहा है मैम, जिसका कोई एक्शन निकल ले रहा है मैम, ये हो रही प्रॉब्लम। तो आपसे निवेदन है थोड़ा आप इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो, छापे मैम इनके खिलाफ, क्योंकि जो डॉक्टर की डिग्रियाँ हैं मेरे को लगता नहीं है मैम कि ये कोई ओरिजिनल डॉक्टर होंगे या जो भी है, पर उन्होंने मेरा गलत इलाज किया है। वहाँ पे जो लड़के काम कर रही है, और दूसरी चीज़ मैम सबूत के तौर पर